देखे हैं तो गल्ला है वो चल रहा है बस यहाँ पे तो गल्ला इधर में खोलूँ तो यहाँ पे इतना गल्ला चल रहा है। काम कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल गाइजाज। फिर मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए 10 HP का सोलर आटा चक्की जो कि मैंने सिस्टम लगा दिया था। तो गाइज आज उसी का हम वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो लगे हुए हैं INA कंपनी के 450 वाट के मोनो पर खाफ कट हाई एफिशिएंसी वाले पैनल लगे हुए हैं जो कि आपको 32 सोलर मॉड्यूल देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। अब ये जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब इसका मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि इसका जो दूसरा वीडियो सेकेंड पार्ट है वो मैं जल्दी दिखाने वाला हूँ। तो गाइज ये जब से हमारा सिस्टम रेडी हो गया है अब मैं उसी पार्ट को दिखाने के लिए जा रहा हूँ सेकेंड पार्ट को। अब ये मैंने सिस्टम कहाँ पर लगाया है पहले मैं खुद इनसे पूछता हूँ ये सिस्टम का कहाँ पे लगा हुआ है ताकि अगर इस सिस्टम को आप भी विजिट करना चाहते हो आसपास में सिस्टम को अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सिस्टम को विजिट कर सकते हो। आप पहले अपना नाम बता दो जो हमारे सब्सक्राइबर आपका नाम क्या है नाम बता दो। मेरा नाम सरदार सिंह ग्राम रामपुर भोगर तहसील ठाकुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद पोस्ट सूर्य नगर में ये सिस्टम लगा हुआ है। गांव का नाम क्या बताया था आपने? रामपुर घोगर यानी कि गाइस ये सूर्यनगर के पास में पड़ता है रामपुर घोगर। आप यहाँ सिस्टम को आके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे INA कंपनी के 450 वाट के मोनो पर खाफ कट 32 सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं और मोटर जो लगी है वो 12.5 HP की मोटर लगी है। 12.5 की है ना 12.5 HP की मोटर। तो गाइस BFD ड्राइव जो है वो 20 HP का BFD ड्राइव है हरमेश टेक्नोलॉजी का। तो गाइस यहाँ पे पैनल आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैनल है वो INA कंपनी के 450 वाट के 32 मॉडल है और साथ ही साथ आपको मिलने वाला है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कितनी अच्छी क्वालिटी में ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार देखो अगर मैं कितना भी हिलाऊं ना तो ये नीचे से ही नहीं हिलने वाला क्योंकि इसकी जो मजबूती होती है वो काफी मजबूती से हम स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। जैसे कि मेरी बहुत सारी वीडियो में स्ट्रक्चर को देखते हो। तो गाइज मैं एक चीज और बता देता हूँ आप भी अगर कहीं से भी सिस्टम ले रहे हो नया ब्रांडेड पैनल ले रहे हो तो उसका वारंटी कार्ड जरूर ले में क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड बैठे हैं कि पैनल का वारंटी कार्ड तक नहीं देते। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ हर बार में बताता हूँ यहाँ पे है ये वारंटी कार्ड 32 के 32 मॉड्यूल के वारंटी कार्ड है आपको नजर आ रहे होंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वारंटी कार्ड भरा जाएगा अब क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये है 450 वाट इसका सीरियल नंबर आ गया है और यहाँ पे डेट डलेगा यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टाम्प लिखा हुआ है। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और हमारा जो फर्म का डिटेल्स है यानी कि स्टैंप लगेगा उसके बाद में वारंटी चालू हो जाएगी। अच्छा काम कैसा हो रहा है तुम्हारा? सही हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो काम बढ़िया हो रहा है और वारंटी कार्ड ये है साथ ही साथ वारंटी कार्ड को अभी साइड कर देते हैं और अब ये मिलते हैं बिल। ये है हमारा बिल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पे मिलने वाला है EBA बिल आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं अभी स्कैन करता हूँ तो सारा डाटा आ जाएगा। बिल देख सकते हो यहाँ पे किस डेट को मैंने इनको माल दिया था 4/6/2022 को माल दिया था। अब यहाँ पे हमारा दूसरे वाला जो बिल है वो मिलने वाला है आप देख सकते हो यहाँ पे। ये दूसरा बिल आ गया ये तो पैनल्स का बिल है जो आप देख सकते हो यहाँ पे पैनल का बिल है। ये EBA बिल है और ये हमारे वाले बिल है। ये देखो ये हमारे वाले बिल है और ये देखो ये भी हमारे बिल है। अभी क्या है अब जो ये BFD ड्राइव का बिल है जो हरमेश टेक्नोलॉजी की BFD ड्राइव है उसका बिल है। आप यहाँ देख सकते हो हरमेश टेक्नोलॉजी का BFD ड्राइव है और यहाँ पे 20 HP का BFD ड्राइव का बिल है जो कि हर वीडियो में बताता हूँ कि बिल लेना बहुत ही जरूरी होता है। मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिना बिल के कुछ नहीं कर सकते और हम हर कस्टमर को जब अपना मटेरियल देते हैं तो बिल के अनुसार ही देते हैं जैसे कि मैं अब भी दिखा रहा हूँ और हर वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइज ये सिस्टम हमारा बढ़िया इस काम कर रहा है। अब मैं नीचे चल के दिखाने वाला हूँ और हमारा जो सिस्टम है वो कैसा काम करने वाला है क्योंकि अभी भी अगर आप इंजन पर चला रहे हो या लाइट पर चला रहे हो तो उससे इतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि पहले आप इंजन पर चला रहे हो तो आपका महीने का लगभग कितना खर्चा आता था 30,000 रुपये महीने के आसपास में डीजल फूंकते थे। अब कितना बेनिफिट है उससे सोलर लगाने पे
सारा लाभ ही लाभ है भाई। 30,000 रुपए का एक महीने का उन्होंने डीजल फूकी है, तो 30,000 तो वो डीजल के बचे और ऊपर की अर्निंग अलग रह गई, यानी कि अगर कम से कम भी जोड़ते हैं तो 40,000 के आसपास में जो है बढ़िया सिस्टम बैठ जाता है एक महीने का। और दो तीन दिन चल गया। और एक चीज मैं और बता देता हूँ गाइस, इसका जो काम है देखो, जैसे आप इंजन से चला रहे हो या लाइट से चला रहे हो, तो लाइट अगर नाइट मारी है तो नाइट में ही आपको गल्ला पीस के देना पड़ेगा। और सोलर से क्या होगा, सोलर से दिन दिन में काम होना है, नो टेंशन, और ज्यादा प्रोडक्शन निकलेगा सोलर से, क्योंकि सोलर जो होता है ये धूप के ऊपर रेडिएशन के ऊपर काम करता है, और यहाँ पे जो है वो मोनोपर्क पैनल है, तो उसी के हिसाब से सिस्टम काम करता है। तो गाइज अब मैंने जो आपको, अगर और कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट्स में मेरे से जानकारी ले सकते हो, स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और आटा चक्की लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, सोच रहे हो यार मुझे घर बैठे ही अर्निंग चाहिए, बिजनेस करना है मुझे, तो आप आटा चक्की लगाओ। आटा चक्की का फायदा ही फायदा है, क्योंकि इसकी जो लाइफ होने वाली है वो 25 साल होने वाली है, और 25 साल लो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका क्या सर्विस होती है, बस इसकी जो सर्विस है वो 8 दिन में पानी से धोने की सर्विस है, और कोई भी सर्विस नहीं है। इंजन लोगे, इंजन की टूट फूट है, इंजन की आवाज़ है, इंजन का मेंटेनेंस है, इसका कोई मेंटेनेंस है। और लाइट पर जाओगे तो लाइट पर आज बिजली, आज लाइट आ रही है, पता लगा कल बरसात हो गई तो 8 दिन के लिए वायर कनेक्शन कट हो गया, या कोई प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है तो उसमें दिक्कत आती है, और सोलर में दिक्कत नहीं आती। सोलर का तो रिजल्ट ही अलग है और काम अच्छा होता है सोलर का। तो गाइस अब चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्किंग करता है। यहाँ पे INA कंपनी के पैनल आपको नजर आ रहे होंगे कुछ इस तरह से, यह है INA कंपनी के 450 वाट के 32 सोलर मॉड्यूल, और यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा है, ये पोल भर दिए गए हैं, सारे पोल कुछ इस तरह से भर दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये 32 पैनल का यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से पोल भर दिए गए हैं। अब जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो इतना नींबू का पेड़ है, आप देख सकते हो, मैंने इस पेड़ का भी नींबू खाया था, और यहाँ पर छोटे छोटे नींबू हैं, ये देखो कितने अच्छे और कितने प्यारे नींबू हैं। ये नींबू है, तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा जो है स्ट्रक्चर लगा हुआ है, एक बार मैं दूर से दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये, और बीच बीच में बादल भी हो रहे हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बीच बीच में बादल भी हो रहे हैं आपको नजर आ रहे होंगे, तो कैमरे में आपको नजर दिख रहा होगा। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा जो था ये पैनल का स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर था, और अब चलते हैं हम सिस्टम की तरफ, नीचे की तरफ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है हमारा सिस्टम काम कर रहा है और कितना अच्छा सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे आप आटा देख सकते हो, यहाँ पे कितना सारा गल्ला रखा है, एक बार नीचे दिखाओ भाई, यहाँ पे दिखाओ एक बार, मैं देखो किसी भी अगर कट्टे को मैं खोल के देखूँ तो यहाँ पे देखो नट्टू की तरह है, आप देख सकते हो किस तरह से आटा रखा, और किसी को भी खोल कर देखोगे ये देखो ये सब रखा है, ये सब रखा है, किसी को भी खोल कर देख लो एकदम नट्टू की तरह आटा है। तो गाइस ये आटा रखा है, चलते हैं हम चक्की की तरफ। तो गाइस यार चलते हैं चक्की की तरफ, यहाँ पे और आ चुके हैं चक्की की तरफ, देख रहे हैं तो गल्ला है वो चल रहा है, बस आप यहाँ पे देखो गल्ला, अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे इतना गल्ला चल रहा है, ये देखो ये है इसका गल्ला, ये चल रहा है, और नीचे की तरफ देखो यार ये गल्ला है, और यहाँ पर आटा देख सकते हो, ये एकदम आटा है, ये देखो लट्टू बन गया है देखो। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, अगर अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं BFD के पास में चलता हूँ, तो यहाँ जो BFD ड्राइव है ये अभी फ्री चल रही है, यानी कि इस पर कोई इतना लोड नहीं है, अगर हम इस समय दूसरा सिस्टम चलवाएं तो वो भी काम करेगा।
तो गाइस अभी हमारी चक्की चल रही है, अभी तो गाइस अभी क्या है, अभी मात्र चक्की चल रही है और चक्की का लोड चल रहा है, अभी VFT ड्राइव गिरी चक्की है। अगर हम यानी कि अगर सेलर चलवाते हैं या पॉलिशर चलवाते हैं तो वो भी चलेगा, दो सिस्टम एक साथ चलेंगे। अभी क्या काम नहीं है इनके पास, मात्र चक्की का काम है, तो चक्की चल रही है। अब एक इधर दिखाओ, यहाँ पे सुबह से चक्की चल रही है, बहुत हीट हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे हीट बहुत हो रही है, और किस तरह बता रहे हैं तो गल्ला आपको देख ही दिया होगा कि यहाँ पे जो एंटर उतर रहे हैं वो दो एंटर उतर रहे हैं, और जो एक चक्की अगर इस समय एक चक्की और होती तो वो भी काम करती, इतना लोड वो भी चक्की दे देते हैं। अभी मात्र एक चक्की है, और अभी क्या है जो सेलर है इनका और जो पॉलिशर है उसका भी काम नहीं है, उसका भी काम आएगा तो दो सिस्टम ये एक साथ चला देंगे आराम के साथ। कैसी व्यक्ति लगती है तो जो पूरी चक्की चलने के बाद यहाँ पर फुल गल्ला खोल रहे हैं तो फिर भी नहीं दब रही है, और फुल गल्ला खोलने के बाद भी जो है सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं। और मोटर की बात करें और ये चल रही है मोटर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मोटर चल रही है, और कुछ इस तरह से मोटर चल रही है। दूर तक इनका सिस्टम दिखा दो, एक बार मान लो इनका सिस्टम दिखा दो किस तरह से काम कर रहा है। ये पटे द्वारा सिस्टम चल रहा है, इनके पास अगर प्रोडक्शन और होता है यानी कि अगर चावल वगैरह और होते तो वो भी सीसी चला लेते लोड। अभी दो लोड एक साथ चल जाएंगे इससे, जो कि यहाँ पे VFT के RPM देख सकते हो, पर मोटर बहुत कम एम्पर लेके दे। कुछ इस तरह से ये है ओरिजिनल VFT ड्राइव, वो सिस्टम काम कर रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। अरे काम कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो है चक्की चला ली है, अब इनके पास जो है वो गल्ला खत्म हो गया, अभी पूरे दिन का गल्ला पड़ा है, यानी कि पूरा दिन पड़ा है। अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 11-12 के आसपास में टाइम है, और इतने समय में इन्होंने अपना सारा जो है जितना भी सुबह से कल तक इनका इनके पास गल्ला आया था, जो गेहूँ आए थे वो सारे पीस दिए हैं, अब देख सकते हो अब सिस्टम खाली चल रहा है। और यही जब इंडियन से पीछे का 1000 रुपये का डीजल पर डे का इनका खर्चा आता था, जैसे कि मैंने खुद बताया, अब क्या है वो 1000 रुपये का तो बेनिफिट नहीं है, और भी बेनिफिट है। अब देख सकते हैं यहाँ जो मोटर है उसको बंद करा जा रहा है, क्योंकि अब इनके पास ना तो गेहूँ है, ना चावल है, कुछ नहीं बचा है, जो भी है इन्होंने सारा पीस दिया इसी शक्ति से, इसका इतना बेनिफिट है। अब पूरा दिन का बचा अगर इनके पास अगर और भी आता है तो ये हाथों हाथ पीस के दे देते हैं। सबसे बड़ी इसकी जो पैनल की कहानी होती है ये है कि हाथों हाथ आओ और अपने साथ जो अपना आटा है हाथों हाथ लेके जाओ, इसमें ये नहीं है कि आप भाई आज रख के जा रहे हो तो कल लेके जाओगे परसों लेके जाओ, इसका तो बेनिफिट इतना है भाई दिन निकला काम चालू, और फायदे फायदा है इसका जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। और इंजन देखो, इंजन पर यहाँ पर जब मैं सिस्टम को लगाने के लिए आया था तो इंजन से चला रहे थे,
और इंजन से इनका लगभग लगभग 1000 रुपये के आसपास में इनका रोज का खर्चा आ जाता। अब क्या है, सोलर से जब ये चला रहे हैं तो इनका जो खर्चा है डीजल का वो अलग कर दिया गया, उसका तो फायदा है। और दूसरी बात, इन्होंने नया इंजन लगाया है, यहाँ पे देख सकते हो, और मोटर भी आपको नजर आ रही है, और ये जो है ये हल्दी वाली है। अगर इनके पास कोई भी अगर अदर आइटम होता वो भी इसी से काम करता, और अगर इनके पास स्पेलर होता चाहे 6 वोल्ट का होता या फिर 9 वोल्ट का होता, अगर ये साइड में स्पेलर भी लगाते हैं तो वो भी इसी से चलेगा। चक्की सेलर पॉलिशर स्पेलर इसी से चलता है, जो कि आप देख सकते हो। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।